समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और पूर्व एमएलसी उम्मीदवार ने कहा, प्रशासन मैनपुरी चुनाव में समाजवादियों को धमकाने और डराने की हर संभव कोशिश कर रहा है। जनता टीवी के राजनीतिक संपादक अखिलेश मिश्र से खास बातचीत में उन्होंने कहा, इस बार मैनपुरी की जनता मन बना चुकी है और उन्हें सबक सिखाएगी। उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों ने ही अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। इस वक्त मैं हूँ समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर और हमारे साथ बातचीत करने के लिए उदयवीर जी। उदयवीर जी, कितना बड़ा चैलेंज मानते हैं? बीजेपी दावा कर रही है कि ये पहली बार ऐसा होगा कि इतिहास रचा जाएगा और मैनपुरी भी बीजेपी के कब्जे में जाएगा। देखिए, दावा तो हर लड़ने वाला करता है, कोई नई बात नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल से कोई लड़ाई भी नहीं। मैनपुरी पिछले 55 सालों से एक बार कांग्रेस के साथ जाने के अलावा, वो भी बलराम सिंह यादव जी थे, वरना हमेशा समाजवादियों के साथ रही है। लगातार लंबे मार्जिन के साथ समाजवादी पार्टी के साथ रही है। अब विषय ये है कि थोड़ा प्रशासन की और शासन की जो तानाशाही है, जो जनता को परेशान किया जा रहा है, जनप्रतिनिधियों को धमकाया जा रहा है, उनके बच्चों को घरों से उठा उठा के थानों में ले जाया जा रहा है, बिठाया जा रहा है। हमने तो मांग की है परीक्षक साहब से कि वो इतना ही आंकलन कर लें कि पिछले 4 दिन से प्रतिदिन कितने मुकदमे लिखे गए मैनपुरी में, कितने लोगों को थाने में डिटेन किया गया और कितने लोगों को जेल भेजा गया। ऐसा क्या हो गया है कि अचानक मैनपुरी में 10 गुना 20 गुना मुकदमा की बाढ़ आ गई, तमाम डिटेंशन होने लगे, जेल में रहने को जगह नहीं बच रही है। तो इस तरह की जो अपनी सत्ता का दुरुपयोग है, उससे लड़ना है, अपने कार्यकर्ताओं को हौसला हिम्मत देके उनसे वोट कराना है, लोगों को भयभीत नहीं होने देना है। बाकी जनता के समर्थन का के विषय पर कोई चैलेंज भारतीय जनता पार्टी की ओर से नहीं है। उदयवीर जी, ऐसा लगता है आपको कि ये जिस तरह आप कह रहे हैं प्रशासन, ये एक बड़ी चुनौती है आपके लिए? बड़ी चुनौती नहीं है, लेकिन कार्यकर्ता जनता की परवाह करना हमारी जिम्मेदारी भी है, लोकतंत्र की आवश्यकता भी है, जो लोकतांत्रिक संस्थाओं में बैठे हैं उनकी जिम्मेदारी भी है। और किसी भी फ्रंट को क्यों खाली छोड़ दें, क्यों प्रयास न करें, तो वो प्रयास हम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, अगर मैं आपसे कहूँ कि इस चुनाव में आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है? हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है, जनता पूरी साथ है, नेताजी को याद कर रही है, उनके कामों को याद कर रही है, अखिलेश जी को स्वीकार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम नहीं किया है, पुलिस के माध्यम से तमाम जनता का उत्पीड़न हुआ है, मोटरसाइकिल चेकिंग से लेके और छोटी छोटी बातों में तमाम पैसा वसूली हुई है, सारे लोग इससे नाराज हैं। हमने आपको बता दिया, वो सिर्फ ये चाहते हैं कि तानाशाही करके, गुंडागर्दी करके वोट पड़ने से रोक लें। कितना रोकने की कोशिश करेंगे और कितना रोक पाएंगे, ये तो समय बताएगा। हमारा विश्वास है कि मैनपुरी की जनता पुलिस के उत्पीड़न से डरने वाली नहीं है, क्रांतिकारी जनता है। आज़ादी के समय से ही यहाँ की, इस जिले की अपनी एक अग्रणी भूमिका रही है हर चीज़ में, नेताजी को नेताजी बनाने में इस जिले की भूमिका है, इस मैनपुरी को पहचान दिलाने में नेताजी की भूमिका है। तो मुझे लगता है मैनपुरी नेताजी की है और नेताजी मैनपुरी के थे, वही भाव रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन सेरा के साथ अखिलेश मिश्र, जनतंत्र टीवी, मैनपुरी।